मैं बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके दो भाग किए हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है, तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ। लगभग 1,339 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगे। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता है, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401, इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781, इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए, ये आप में से ही भरे जाएंगे, उसके भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहने हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनको 1,00,000 रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो है यानी कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ता को 1,00,000 के बजाय 2,00,000 रुपया दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपए के बजाय 1,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी, अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1,500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूँ। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल, अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है, तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4,000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं, अभी आगे और 4,000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं, तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का उनकी एक सराहना मैं करता हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो सुनाते